जिस दिन मनमोहन सरकार सरकारी आदेश निकालकर सरकारी जमीन वक्फ के हवाले कर दी थी, उसी दिन शहरी विकास मंत्रालय के तत्कालीन अतिरिक्त सचिव जे पी प्रकाश ने शहरी विकास मंत्रालय के ही तत्कालीन सचिव सुधीर कृष्णा को एक लेटर लिखा था और यह चिट्ठी भी मेरे पास है। आप सोचिए कितनी ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही थी कि कहीं आचार संहिता लग जाए और ये जमीनें हम ना लौटा पाए तो क्या होगा। जैसे आसमान फट जाएगा, धरती फट जाएगी, आसमान गिर पड़ेगा। 5 मार्च को यह चिट्ठी लिखी गई थी और इस लेटर में यह लिखा गया था, बताया गया था कि कैबिनेट के फैसले को लेकर 4 मार्च को सचिव ने एक कॉल कर दिया था जिसमें 123 संपत्तियों पर फैसले के बारे में बताया गया है जिन्हें सरकार के कंट्रोल से हटाकर वक्फ बोर्ड के हवाले किए जाने का फैसला हुआ था। इसमें कहा गया कि कैबिनेट के फैसले को लागू करने के लिए आधिकारिक तैयारी कर ली जाए। एक कॉल बॉस, एक कॉल हुआ, सोचिए दिल्ली की 123 प्रॉपर्टीज, प्राइम प्रॉपर्टीज, एक फोन कॉल चली गई वक्फ बोर्ड के पास। यह है इस देश का सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म, हिंदू राम मंदिर के लिए लड़ रहा है सालों साल कोर्ट में, और उस जमाने में कपिल सिब्बल जाकर और वकील जाकर बता रहे हैं कि राम काल्पनिक चरित्र थे। ज्ञानवापी में मंदिर के लिए हिंदू कोर्ट में लड़ रहा है और वक्फ की 123 संपत्ति एक कॉल पर ट्रांसफर हो गई। दिल्ली की 123 सरकारी संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड के नाम किए जाने पर उस वक्त वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद ने विरोध किया था। विश्व हिंदू परिषद ने इस फैसले के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी। विश्व हिंदू परिषद ने मांग की थी कि इस फैसले को वापस लिया जाए क्योंकि यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करता है। बीएचपी ने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यकों के वोट पाने के लिए यह फैसला लिया गया। बीएचपी कह रही थी कि जो संपत्ति दिल्ली वक्फ बोर्ड के नाम कर दी गई उसमें कई संपत्ति दिल्ली की प्राइम लोकेशन पर है, वक्फ बोर्ड इसको बेच सकता है। ज्यादातर संपत्ति कनॉट प्लेस, मथुरा रोड, लोधी रोड, मानसिंह रोड, पंडारा रोड, अशोका रोड, जनपथ, संसद मार्ग, करोल बाग, सदर बाजार, दरियागंज और जनपुरा में है। और जो लोग दिल्ली का इतना भी जानते होंगे वो समझते होंगे कि कितनी प्राइम प्रॉपर्टीज दी है। बीएचपी ने इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली। याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 अगस्त 2014 को यह कहा कि इस मामले में सभी पक्षों को सुना जाना चाहिए और केंद्र सरकार इस पर फैसला ले। इसके बाद साल 2016 में मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर एक सदस्यीय कमेटी बनाई। मोदी सरकार ने जो एक सदस्यीय कमेटी बनाई उसने 10 अगस्त 2016 को एक नोटिफिकेशन जारी किया और यह बताया कि इस मामले में जिस पक्ष को भी जो भी आपत्ति है वो लिखित में दे सकता है, वो कमेटी के सामने बयान दे सकता है। साल 2017 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शहरी विकास मंत्रालय को सौंप दी। अगस्त 2018 में मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर यह कहते हुए 2 सदस्यीय कमेटी बनाई कि पहले वाली कमेटी की रिपोर्ट पूरी नहीं थी। नवंबर 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस संबंध में एक पब्लिक नोटिस भी जारी किया और कहा कि जिन्हें भी इन संपत्तियों के संबंध में कुछ आपत्ति है वो बता सकते हैं। जब मोदी सरकार ने 2 सदस्यीय कमेटी बनाई तो दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दी। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इस बात पर आपत्ति जताई कि केंद्र सरकार ने 123 संपत्तियों में एक संपत्ति को आईटीबीपी को आवंटित कर दिया था। वक्फ बोर्ड 123 में से एक संपत्ति छोड़ने को तैयार नहीं है, कह रहा आईटीबीपी को दे दिया। और आईटीबीपी को दिया तो देश के लिए ही दिया होगा ना, देश के लिए एक संपत्ति नहीं छोड़ रहे। और हमारे यहां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार चुनाव में जाने के पहले 123 संपत्ति देकर चली गई और वक्फ बोर्ड कह रहा है आईटीबीपी को क्यों दे दी एक संपत्ति। यह संपत्ति दिल्ली के मथुरा रोड पर स्थित एक कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान छोड़ने को तैयार नहीं। जो दुनिया छोड़ के चले गए उनके लिए जगह छोड़ने को तैयार नहीं। साल 2017 में इस जमीन को आईटीबीपी को दिया गया था। वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में यह दलील दी कि साल 5 मार्च 2014 को केंद्र सरकार ने 123 संपत्तियों का अधिकार उन्हें दे दिया। भाई उनके पास तो है, ये गजट है, वो कह रहे कि हमको दे दिया, अब क्या, अब हम नहीं देंगे, इसलिए संपत्ति को वक्फ से नहीं लिया जा सकता। हालांकि दिल्ली वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने कहा कि यह बहुत अनकॉमन नहीं है बॉस कि कब्र को शिफ्ट किया जाए अगर वो किसी विकास परियोजना के लिए रोड़ा बन रही है।
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और वक्फ बोर्ड को मुंह की खानी पड़ी। पर आप सोचिए, जो जगह आईटीबीपी को मिलनी चाहिए थी वो जगह वक्फ बोर्ड को उठाकर दे दी एक सरकार ने चुनाव के ठीक पहले। और हाईकोर्ट कह रहा है कि भाई विकास के काम के लिए हो रहा है तो ठीक है, सरकार को नहीं लगा कि इन जमीनों पर कितना विकास का काम हो सकता था?